दुर्गाबाई देशमुख कमेटी नारी शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 1958 में भारत सरकार ने इस कमेटी का गठन किया। समिति ने जनवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया। समिति के द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में नारी शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। दूसरा, भारत सरकार को कुछ समय के लिए नारी शिक्षा को एक विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तीसरा, भारत सरकार को समस्त राज्यों के लिए नारी शिक्षा के विस्तार की नीति निर्धारित करनी चाहिए तथा इस नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को आवश्यक धनराशि प्रदान करनी चाहिए। भारत सरकार को एक निश्चित अवधि के अंतर्गत निश्चित योजना के अनुरूप नारी शिक्षा का विकास करने का भार अपने ऊपर लेना चाहिए। नेक्स्ट, पुरुषों तथा नारियों की शिक्षा में विद्यमान अंतर को यथाशीघ्र समाप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, नारी शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद नामक अलग इकाई का गठन करना चाहिए। नेक्स्ट, नारी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु राज्यों में लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा की राज्य परिषदें गठित की जानी चाहिए।